डलहौजी में चमचमाती धूप में पर्यटक बर्फबारी का खूब आनंद उठा रहे हैं। साथ ही उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। भारी संख्या में पर्यटक डलहौजी पहुंच रहे हैं। डलहौजी में हुई बर्फबारी के बाद जमे कोहरे से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण वाहनों की आवाजाही बंद है। पर्यटकों ने बताया कि डलहौजी में बर्फ पड़ने से सभी रास्ते बंद हो गए हैं। भावेश पाटिल है, हम नवी मुंबई से आए, तो हम यहाँ पे घूमने आए थे, तो कम से कम हम लोग 3-4 किलोमीटर से वॉकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत स्नोफॉल की वजह से ट्रैफिक है और हम लोग कम से कम 3-4 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, तो हम लोग को मज़ा भी आ रहा है। बहुत यहाँ पे ट्रैफिक लग चुकी है, हम लोग बहुत टाइम से चल के आ रहे हैं, तो उसके वजह से बहुत हमें प्रॉब्लम भी हो रहा है, पर मज़ा भी आ रहा है। वाहन न मिलने के कारण उन्हें पैदल सफर करना पड़ रहा है। पर्यटकों के वाहन बर्फ में फंस चुके हैं और वाहनों को निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। हम तो पाजी मुंबई से आए हैं, अभी नीचे बस स्टैंड बनने से लेके यहाँ तक पैदल ही आए हैं। 6 किलोमीटर दिक्कतें हुई, गिरे बहुत बार। पर्यटक स्थानीय वाहन चालकों की मदद से अपने वाहन निकाल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ के पूरे रास्ते बर्फ से ढके हुए हैं, ना गाड़ी आ सकती है, कौन सा ही ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। हम चलते हुए आए, गिरते फिसलते हुए आए, पर बहुत एंजॉय करते हुए, जैसे कि आप देख सकते हो, हम सिर्फ बर्फ से खेलते हुए आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हो। साइनिंग आउट फ्रॉम डलहौजी।